अक्षय कुमार का क्या रेस्पॉन्स था जब उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी? अक्षय कुमार 40 दिन में पिक्चर कंप्लीट करते, ये फिल्म उन्होंने कितने दिन में कंप्लीट? दूसरे हीरो के जैसा नहीं है ना यार, एक शॉट दिया फिर 6 घंटे के लिए सो गए या पार्टी कर ली। हेलो वन मनी विद दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, 6 अक्टूबर को अक्षय कुमार की बड़ी फिल्म आने वाली है। नाम है फिल्म का मिशन रानीगंज, द ग्रेट भारत रेस्क्यू। और इस फिल्म के राइटर विपुल रावल जी हमारे साथ में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टू बॉलीवुड प्रेमी। थैंक यू दिग्विजय, माय प्लेजर टू बी ऑन योर चैनल। यस देखता हूँ मैं सर, आपका थैंक चैनल, आई वॉच योर चैनल, आई लाइक इट। अच्छा है। यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर। आपने ये फिल्म लिखी है, तो सबसे पहले थोड़ा कुछ बताइए अबाउट द फिल्म एंड इस फिल्म का जो प्रोसेस था रिसर्च का एज अ राइटर, किस तरह रहा? सी, मैंने अकेले ने ये फिल्म नहीं लिखी है। सबसे पहले ये सब्जेक्ट जो आइडेंटिफाई किया ना, वो मेरा फ्रेंड है दीपक किंगरानी, उसने आइडेंटिफाई किया और वो हमारे डायरेक्टर साहब टीनू देसाई साहब से मिला। टीनू देसाई साहब ने बोला कि ठीक है, आप सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, बट वी विल नीड अ सीनियर राइटर टू राइट द स्क्रीन प्ले, यू नो, बिकॉज स्क्रीन प्ले राइटिंग इज अ क्राफ्ट, स्पेसिफिक क्राफ्ट है थोड़ा। सो फिल्म में मेरा क्रेडिट स्क्रीन प्ले राइटर का है एंड डायलॉग्स और स्टोरी दीपक की है, बिकॉज ऑब्वियसली वो ही लाया था। हैविंग सेड दैट, दीपक का भी स्क्रीन प्ले में योगदान है, हमारे डायरेक्टर साहब टीनू देसाई का भी योगदान है और मेरा भी डायलॉग में योगदान है, बट फॉर द सेक वो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि स्टोरी और डायलॉग का क्रेडिट दीपक को जाए और स्क्रीन प्ले का मुझे जाए। सो यस, प्रोसेस ये था कि एक बार हमको ये सब्जेक्ट आया हमारे हाथ, फिर हमने जाके गिल साहब से मिले। हम जाके, गिल साहब इज द पर्सन जिनके ऊपर ये बायोपिक बेस्ड है, गिल जसवंत साहब, गिल, यस जसवंत सिंह, सरदार जसवंत सिंह गिल साहब, वेरी ब्रेव मैन, बहुत ही बढ़िया इंसान। हम उनसे मिले अमृतसर जाके, 2017 मार्च की बात है, एंड टुवर्ड्स एंड ऑफ मार्च, मार्च में गिल साहब से मिले और फिर गिल साहब से पूरा हमने एक कांड किया था, वो समझ लिया मैप्स वैप नक्शों के साथ एंड ऑल। उसके बाद हम गिल साहब से मिलके साथ में हम लोग गए इधर अपना रानीगंज, वहां जितने लोग थे सर्वाइवर, पुराने लोग, यू नो, ऑन लुकर्स, क्रेन ऑपरेटर से लेके एवरीबडी, जो भी इन्वॉल्व था, जो जो कॉन्ट्रेक्टर्स थे या ना, जो लेबरर्स थे, जितने लोग मिल सके उनसे हम मिले एंड वी रिकॉर्डेड द एंटायर कन्वर्सेशन। उसके बाद वी स्टार्टेड राइटिंग द स्क्रीन प्ले, यू नो, आई स्टार्टेड राइटिंग द स्क्रीन प्ले। सो दैट इज हाउ ये इवॉल्व हुआ। और लिखते लिखते, अच्छा देखिए, पहले तो सबको पता है अजय देवगन करने वाले थे 2017 में, लेकिन नवंबर 2017 में हमारी शूटिंग चालू होने वाली थी, फॉर सम रीजंस वो नहीं हो पाई, है ना। तो उसके बाद अक्षय भाई ऑन बोर्ड आए, अक्षय सर और अक्षय कुमार ऑन बोर्ड आए, वाशु बगनानी जी ऑन बोर्ड आए ऑफ कोर्स एज अ प्रोड्यूसर। तो 6 साल जो हमें गैप मिला ना, उस बीच भी हम लोग इसको तराशते गए, और इसका क्रेडिट जाता है हमारे डायरेक्टर साहब टीनू भाई को। उनको थॉट आता कि यार ये सीन को ऐसा करते हैं, हमारे पास तो टाइम था, तो हम उसको तराशते गए। तो हमें ये टाइम मिला ना, उसमें ये स्क्रिप्ट बनते बनते इतनी बढ़िया बन गई ना कि क्या पूछो यार। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी कंटेंट विद द फाइनल प्रोडक्ट एंड उम्मीद करता हूँ पब्लिक को भी उतनी पसंद आएगी जितना हमें कॉन्फिडेंस है। एब्सोल्युटली सर, क्योंकि अक्षय कुमार की ऐसी फिल्में लोगों को बहुत पसंद आती है, क्योंकि इसके पहले भी आपने रुस्तम लेके आए थे विद द सेम डायरेक्टर एंड अक्षय कुमार थे साथ में, और वो तो यस, सुपर हिट हो गई थी। एंड थैंक यू, वापस आपकी जोड़ी साथ में आई है, द डायरेक्टर, द राइटर एंड अक्षय कुमार, तो यस, ये भी कमाल करेगी बॉक्स ऑफिस पे। ये अब हमने भी उम्मीद रखी है सर, क्योंकि लोगों को अक्षय को इस तरह से देखने को पसंद आता है। थोड़ा कास्टिंग पे मैं बात करना चाहूंगा। परिणीति को लेके आए हैं अक्षय के साथ में, एंड बहुत बड़ी कास्ट है, रवि किशन है और काफी लोग हैं, इनके बारे में बताइए। देखिए, अब स्टोरी है 65 मजदूरों की, माइनिंग माइनर्स की, जो नीचे फंस गए हैं, है ना। यस अब इनको निकालने के लिए ऊपर मशक्कत चल रही है, जहां पूरा टीम है, तो नेचुरली बहुत सारी ऊपर, जैसे ऊपर, व्हेन आई से ऊपर मतलब जो सरफेस पे, जैसे जसवंत सिंह गिल साहब का जो कैरेक्टर है, जो मशक्कत कर रहे हैं, उनके साथ सपोर्टिंग टीम में पवन मल्होत्रा, कुमुद मिश्रा, वीरेंद्र सक्सेना, दिव्येंदु भट्टाचार्य, बहुत सारे लोग है ऊपर। अब नीचे जो लोग फंसे उनके भी, अब सोचिए ना, कोई 3 दिन के लिए अगर फंसा है तो आपस में पानी आ रहा है, गैस आ रहा है, मौत दिख रही है, तो उनके आपस में साइकोलॉजी क्या करेंगे कि सर तेरी वजह से हुआ थे। तो नीचे भी भारी ड्रामा चल रहा है। तो नीचे माइनर्स में रवि किशन जी, अपना क्या नाम है, सुधीर पांडे जी, वरुण बदोला, यू नो, जमील खान साहब, अक्षय वर्मा, इश्तियाक, ये बड़े बड़े एक्टर नीचे है, यू नो। तो ये 65 में से 15-20 तो प्रॉपर कास्टिंग हुई है बड़े बड़े एक्टर की, बाकी थोड़े हमने वो, तो इट वॉज
इट्स अ वेरी एंसेंबल कास्ट और बहुत ही मंजे हुए एक्टर है, इतने डेडिकेटेड एक्टर्स है कि हम अपना सौभाग्य समझ रहे हैं कि ये लोग ने हमारी फिल्म में काम करने का यू नो एग्री किया. एंड आई विल टेल यू कि चलो मेन लीड तो है हु इज अप्रिशिएटेड और उम्मीद है कि उनको बहुत बड़े अवार्ड मिलेंगे, लेकिन जो सपोर्टिंग कास्ट है ना उनको भी मुझे लगता है बहुत सारे अवार्ड मिलेंगे. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ दैट. अक्षय कुमार का क्या रेस्पॉन्स था जब उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी और उनका क्या रिएक्शन था? उनको तो पसंद है. सी ही इज अ वेरी स्मार्ट मैन. उनको वन लाइन में समझ में आया था फिल्म में दम है कि नहीं है, ये बात तो उनके बारे में बोलनी पड़ेगी, है ना. सुन के ही बोलता कि उनको पसंद आई. ही लाइक, उनको अगर नहीं आती तो वो करते ही नहीं, यू नो उनका नेचर ऐसा ही है ना. अगर देखो और कोई भी आदमी कन्विक्शन नहीं होता तो नहीं करते. उनको था कि यार इसमें है ड्रामा है आप करेंगे. सो वो है, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट फ्रॉम डे वन. ही इनफैक्ट ये ऐसा हो गया है ना कि पहले दिन से एज राइटर मैं कॉन्फिडेंट था, एज डायरेक्टर टीनू देसाई कॉन्फिडेंट थे, मेन लीड अपने अक्षय भाई कॉन्फिडेंट थे, अक्षय कुमार, सपोर्टिंग कास्ट कॉन्फिडेंट थे, प्रोड्यूसर कॉन्फिडेंट थे. सो दिस इज वन ऑफ दोस प्रोजेक्ट्स जहां पहले दिन से एवरीबॉडी वाज कन्विंस कि लेट्स मेक, लेट्स नॉट वरी अबाउट द कॉस्ट. ऑफकोर्स वो तो चिंता तो करनी पड़ती है, बट लोग पहले फिल्म बनाते क्योंकि इसमें दम, ये फिल्म बाहर आनी चाहिए. सो एवरीबॉडी वर्क डिलीजेंटली टुवर्ड्स गेटिंग दिस फिल्म आउट, है ना. भले 6-7 साल लगे पर सबने बहुत मेहनत की है ये फिल्म को बाहर लाने के लिए. सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग. इट्स अ वेरी पॉजिटिव सपने. एवरीबडी वर्कड वेरी हार्ड एंड एवरीबडी लाइक द स्क्रिप्ट एंड तब जाके ये प्रोजेक्ट बन रहा है. सो दैट इज अ फैक्ट. जैसे सुनने में आया यूके भी गए थे शूट के लिए, कुछ दिनों का शेड्यूल वहां भी था। उसका रीजन है क्या होता है ना कि यहाँ कोल माइंस वगैरह में शूट करना अपना क्राउड क्राउड बहुत ज्यादा हो जाता है. इंग्लैंड में सेट लगा है, वाशु जी की अपनी प्रॉपर्टी है उधर, उनका सेटअप है उधर पूरा, है ना. सो फुल फ्लेज स्टूडियोज है. सो यस, इट कंट्रोल एनवायरनमेंट में शूट करना था, सो दैट वाज द बेस्ट ऑप्शन. वहीं शूट किया हमने. और लेकिन हमने काफी पोर्शन यहाँ भी शूट किए हैं. देख कुछ सीन्स आई मीन काफी दिन यहाँ 10-15 दिन हमने रानीगंज एक्चुअल लोकेशन पे शूटिंग किया, वेस्ट बंगाल रानीगंज में. आप देखोगे स्टाफ क्वार्टर्स ये वो कोयलरी का जो चाणक वानक वो सब यही है. सो वी हैव डन दैट. हाँ लेकिन इंग्लैंड में बिकॉज माइनिंग का जो सेट लगाना था कंट्रोल एनवायरनमेंट चाहिए हमें, है ना. अदरवाइज क्राउड कंट्रोल ये वो बहुत भारी पड़ जाता है. सो दैट इज व्हाई हमने इंग्लैंड में शूट किया. इट वर्क वेरी वेल एक्चुअली. ओके सर, सुनने में आता है ऐसे कि अक्षय कुमार 40 दिन में पिक्चर कंप्लीट करते हैं, ये फिल्म उन्होंने कितने दिन में कंप्लीट? ज्यादा ही हुआ है भाई इसमें तो 50-60 दिन. ऐसा सुन मैं वही बोल रहा हूँ, ऐसे गलत बात है. उनको ऐसा लगता है कि अगर हाँ एक हवा बन गई है वो होगा भी. आम फिल्म में 40 दिन बहुत होते हैं फॉर मेन लीड. एक्चुअली देखा जाए तो 40 दिन बहुत होते हैं यू नो, लेकिन इसमें ज्यादा लगे उन्होंने दिए भी. ऐसा नहीं है कुछ फिल्मों में लगता है यार. तो उनमें इज अ प्रोफेशनल, मैं वही कह रहा हूँ ना, इज अ ऐसा पत्थर की लकीर नहीं है कि 40 दिन ही दूंगा. ये वो बन गई हवा टाइप की. और ज्यादातर फिल्म क्योंकि जितना डिसिप्लिन से वो काम करते हैं ना वो निपट जाएगी फिल्म. 40 दिन क्यों, 30 दिन में हो जाएगी. दूसरे हीरो की जैसा नहीं है ना यार, एक शॉट दिया फिर 6 घंटे के लिए सो गए या पार्टी कर ली. उनका तो सुबह आए जो टाइम पे आए और 8 घंटे दिए तो 8 घंटे या 10 घंटे में बहुत ज्यादा काम होता है. फ्रेंकली अगर हीरो अगर सेट पे ही बैठे, ये तो कहीं शॉट देने के बाद कहीं जाते नहीं है, यही बैठे रहते हैं. चलो भाई हो गया. तो एक एक तरह से बाकी सब भी प्रेशर में, यार हीरो यहाँ बैठा है फटाफट करो यार. तो वो पूरा सब कुछ हरकत में आ जाता है. तो 40 दिन भी ज्यादा है फ्रेंकली नॉर्मल फिल्मों के लिए, पर इसमें ज्यादा लगे तो उन्होंने दिए. ऐसा कोई आई डोंट नो एग्जैक्ट क्या अमाउंट है पर ऐसा कुछ नहीं है, वो करते हैं. ओके ऐसे हवा बन गई है फॉर सम रीजन. यस। टाइटल पे आता हूँ। टाइटल पहले कुछ और था, फिर दूसरा एक और टाइटल आया, और हाँ लास्ट फाइनली ये जो टाइटल है मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू फाइनल हुआ। टाइटल क्यों चेंजेस हुए? देखिए क्या था ना, पहले जिस दिन मैंने लिखना शुरू किया ना, गिल साहब ने जब रेस्क्यू किया ना, ये तो 30 साल पहले का केस था बराबर. तो गांव वाले गिल साहब को आज भी कैप्सूल गिल के नाम से जानते थे, है ना. तो हमने जब जब हम लिखते हैं तो हम वर्किंग टाइटल चलने दिया कैप्सूल गिल, करते करते वही नाम पड़ गया इन द सेंस. तो एक ऑफिशियल तो किसी ने डिसाइड नहीं किया था कि कैप्सूल गिल रखना है टाइटल, है ना. डिसाइड ये यूजुअली अब जैसे रुस्तम का क्या पहले नाम तो साजिश था ना, यूजुअली वो फिल्म के रिलीज से पहले डिसाइड होता है कि ये टाइटल रखना है. आई बिलीव द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू रखा गया था. ये कैप्सूल गिल तो वॉज चलो वर्किंग टाइटल था, ग्रेट इंडियन रेस्क्यू रखा गया था.
फिर आई एम एज्यूमिंग कि बिकॉज ये ग्रेट इंडियन फैमिली करके एक फिल्म आई ना 15 दिन पहले या 10 दिन पहले, तो फिर वो क्या खिचड़ी हो जाती है, पब्लिक कैन गेट कंफ्यूज्ड. देन वी हाँ स्टार्टेड ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड मिलते हुए, आई एम वेरी हैप्पी विद द टाइटल मिशन रानीगंज जो आ गया ना, तो आते आते देखो ये भी एक अच्छा काम हो गया, हमने बहुत सोचा. फिर जिसने टाइटल उधर से आया दीपशिखा जी की तरफ से, तो बहुत बढ़िया आया ये, तो आई एम वेरी हैप्पी विद द टाइटल. सो ये होता है, ऐसा होता है. यस yes. और टाइटल के नीचे जो लिख के आता है द ग्रेट भारत रेस्क्यू, तो हाँ द ग्रेट इंडिया रेस्क्यू क्यों नहीं लिखा? वो आपको प्रोड्यूसर से पूछना पड़ेगा, उसका जवाब मैं नहीं दे ओके सकता. वंडरफुल सर. रानीगंज अभी रिलीज होने वाली है 6 तारीख को, उसके साथ में दो फिल्में और है, कौन सी मुझे बताओ, कौन सी है, दो कौन फिल्मों का सी? क्लैश है. एक 5 तारीख को दोनों है राष्ट्रीय प्रोडक्शन की, और 6 तारीख को उसके साथ में है थैंक यू फॉर कमिंग. ओके यस, ये जो क्लैश है इसको आप किस तरह? यार, फ्रेंकली अब तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं, गदर और ओ माय गॉड तो एक ही दिन पे रिलीज हुई ना, ये सेकंड वाली. पहली गदर और लगान एक ही दिन पे रिलीज हुई ना, तो यार यस पब्लिक है कुछ क्लैश में क्या होता है यार. उसी हर जॉनर का एक ऑडियंस होता है. आज ये तो 3 फिल्म बड़ी फिल्म है, आई कैन एश्योर यू 10 और फिल्में रिलीज हो रही होगी, उसमें कुछ छोटी बजट की फिल्म होगी, कुछ रीजनल फिल्म होगी, तो सबका अपना अपना ऑडियंस होता है. एंड बाकी तो फिर बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं, बजटिंग. अब पब्लिक को लग रहा है कि हमने इसमें दिवाली आ रही है इसमें खर्च कर दिया, तो इसमें वो कॉल लेंगे कि यार एक काम करते हैं, 500 रुपए खर्च करना है तो एक काम करते हैं ये वाली देख लेते हैं थिएटर में, ये वाली तो 2 साल 2 महीने में ओटीटी पे आई जाएगी. वो कॉल पब्लिक बड़ा स्मार्टली ले लेता है, उनको लगा कि चलो ये कुछ ड्रामा है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, यार इसमें कुछ इंटरेस्टिंग है ये है, तो ये पर्दे पे ही मजा आएगा, तो अपन इसको ये जो बजट है वो खर्चा इस पे करते हैं, ये वाली अच्छी लग रही है तो इसको अपन ओटीटी में देख लेंगे, तो वो पब्लिक का कॉल है. सो ऐसा है क्लैश. सी फ्रेंकली इट द पब्लिक के ऊपर है क्लैश. प्रेस मैंने आपको दो एग्जांपल दिया ना, क्लैश प्रेस से क्या होता है यार, अगर पिक्चर चलनी है तो चलनी है. हम आगे देख रहे हैं, अभी 6 तारीख को हम भी जाएंगे फिल्म देखने एंड प्लीज पब्लिक का रिव्यू एंड रिएक्शन भी लेंगे, क्योंकि ट्रेलर का जो रेस्पॉन्स आया काफी अच्छा आया लोगों की तरफ से. मैंने काफी यस यस सारे रिव्यूज देखे एंड पीपल आर लाइकिंग इट. यस उनको कुछ अलग अंदाज में वापस अक्षय कुमार देखने मिल रहे हैं, एंड बिहाइंड द सीन्स में आप हो, स्क्रीन प्ले भी आपने लिखा है सर. ड्यूरेशन क्या रहेगा? इसी मेरा फाइनल कट देखा नहीं है क्योंकि आई एम आउटसाइड, पर वही होता है 2 घंटा 10 15 मिनट, इससे ज्यादा तो क्या होगा, वही आई एम एज्यूमिंग इससे इतना लंबा, बस इससे ज्यादा तो नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो. 2 घंटा 2 घंटा फाइनल मैंने देखा नहीं है, यही होगा और क्या होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा. विपुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा फॉर योर अरे प्रेशियस टाइम आपने बहुत हमें टाइम, दिया. अपने पास तो टाइम ही टाइम है यार, ये तो अनफॉर्चुनेटली अभी अपने ना कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहे, मैं अभी इधर टूर पे आया हूँ उस तरफ गुजरात साइड ना, तो अनफॉर्चुनेटली अपना टाइमिंग क्लैश हो रहा था, अदरवाइज मेरे पास बहुत टाइम होता है ना, और जेन राइटरों के पास बहुत टाइम होता है. फ्रेंकली हम इतना मेहनत नहीं करते जितना कोई है ना, इतना इतने बिजी नहीं होते हैं. अभी थोड़ा चल रहा है 2 4 दिन से, बस ये 2 4 दिन में ठंडा हो जाएगा सब. जैसे नहीं, हम चाह रहे थे आपके पास में आके घर पे या ऑफिस हाँ में यार वन टू वन इंटरव्यू करें. आफ्टर द रिलीज पक्का आएंगे, पक्का पक्का और पक्का, काफी अरे सारे पूछना और सवाल है जो कि मैं पूछना चाहूंगा आपसे जब मिलेंगे. अभी पूछ लो, इफ यू वांट टू, मैं तो फुर्सत में हूँ, पूछ लो. नहीं, डन पिक्चर के रिलीज के बाद में जरूर पूछूंगा सर. डन जरूर पूछा, वो फीड सी ऑडियंस का फीडबैक को लेके भी अपन बात करेंगे. आई वांट यस अगर उनको कुछ ऐसा लगा कि कुछ ठीक नहीं है, तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोस क्वेश्चंस, एंड यस डेफिनेटली करेंगे यार, डेफिनेटली करेंगे. ठीक है सर. बॉलीवुड प्रेमी की टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर द रिलीज ऑफ मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू, एंड थैंक यू अगेन. माय प्लेजर, एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट टू बॉलीवुड प्रेमी, इट्स अ गुड चैनल. आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू लाइक सब्सक्राइब द चैनल, इट्स अ थैंक वेरी यू सर. नाइस चैनल विद प्रॉपर रिसर्च, एंड हैंडसम सा एंकर है यार, यू नो निको देखने चले जाए सब. थैंक यू दिग्विजय, प्लेजर टू बी ऑन योर चैनल यार, बहुत अच्छा लगा मुझे. थैंक यू सो मच सर.